हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके जुलाई माह के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो चालू करने से पहले सीजीपीएससी ई पाठशाला के सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। सीजीपीएससी ई पाठशाला ने अभी 27 जुलाई को अपना एक साल पूरा कर लिया। पिछले साल 23 जुलाई 2018 को सीजीपीएससी ई पाठशाला का यह यूट्यूब चैनल बनाया गया था और 27 जुलाई 2018 को सेम टॉपिक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2018 का पहला वीडियो डाला गया। काफी कंट्रोवर्सी और उतार चढ़ाव भरा रहा यह एक साल का सफर, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला और लगभग 23,000 सब्सक्राइबर से अधिक के साथ हमने यह एक साल पूरा कर लिया। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक जो कॉमन कमेंट आ रहा है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा उसको। आप में से बहुत लोग के कमेंट आते हैं, सेम क्वेश्चन सेम कमेंट रहते हैं आप लोग के, कि छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर के वीडियो है उसे मंथली बेसिस पे ना देकर के वीकली बेसिस पे बनाइए, यानी हर सप्ताह छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के कंटेंट प्रोवाइड कराइए। देखिए, वीकली बेसिस में पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा फायदा है और आप लोग का नुकसान है। मेरा फायदा कैसे, मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियोज पर व्यूज काफी आते हैं। मैक्सिमम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो का काफी समय से इंतजार करते हैं, वीडियो आते ही नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, व्यूज बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा, चैनल ग्रोथ होगा, तो इसमें मेरा फायदा है। नुकसान आप लोग का है, नुकसान आप लोग का कैसे है, देखिए सीजीपीएससी यदि प्री को हम टारगेट लेकर करके चलते हैं तो उसमें आपको लास्ट 1 ईयर का यानी पिछले एक साल के करंट अफेयर आपको तैयार करके रखना है। एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर हम मंथली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं तो मात्र 12 वीडियो होते हैं। 12 वीडियो को रिवाइज कर पाना काफ़ी आसान है। यदि वही हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करेंगे तो एक साल में आपके 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह मतलब 52 वीडियो। अगर एग्जाम टाइम में भी अगर आप इसको रिवाइज करना चाहेंगे वीडियो देख करके, तो काफ़ी एक बहुत बड़ा प्लेलिस्ट बन जाएगा, नंबर ऑफ वीडियोज़ ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि उसको वीडियो देख के आप कवर कर पाए। थोड़ा सोचिएगा इस चीज़ को। देखिए 30 से 35 मिनट का मेरा एक एवरेज वीडियो होता है, मैं चाहूँ तो 10-10 मिनट का वीडियो आपको वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग का मेहनत कम हो, एग्जाम टाइम पे आप इन चीज़ों को रिवाइज कर सके करके इसे मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग की राय जानने के लिए नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए कि वीकली बेसिस पे चाहिए। एक ठोक वोटिंग पोल भी बना दूंगा टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज में भी, वहाँ पर जाकर के वोट करके आप अपना पक्ष बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम से आपके वैसे ही वीडियो आएंगे। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई मंथ। देखिए चर्चित स्थान, चर्चित स्थानों में पहला है आपका रीवा ग्राम। रीवा ग्राम जो कि आरंग रायपुर में है, पिछले 3 महीने से हम इस रीवा ग्राम को पढ़ते आ रहे हैं। रीवा ग्राम देखिए आरंग रायपुर में स्थित यह रीवा ग्राम, जिसमें अभी उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है, ये यहाँ पर 2000 साल पुरानी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये जो आपका रीवा ग्राम है, इससे पहले भी रीवा ग्राम में कुछ प्राचीन सिक्के मिले हैं, कुछ बौद्ध स्तूप मिले हैं। ठीक, तो देखिए जो इस बार जो रीवा ग्राम में जो उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ पे मिला है आपका रिंगवेल और स्तूप। रिंगवेल क्या होता है, रिंगवेल एक आपका राउंड शेप का कुआं होता है, राउंड शेप का कुआं मिला है रिंगवेल, और एक स्तूप मिला है, एक बौद्ध स्तूप मिला है। ये जो बौद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप, इसमें पूर्व और पश्चिम दोनों ओर सीढ़ियां हैं। एक बौद्ध स्तूप मिला है, उस बौद्ध स्तूप में पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। देखिए इससे पहले ही बौद्ध स्तूप मिला था, एक बौद्ध स्तूप मिला था जो कि पूर्वोन्मुखी था, मतलब जिसका जो द्वार था वो द्वार आपका पूर्व दिशा की ओर था, पूर्वोन्मुखी बौद्ध स्तूप। इसके अलावा एक मिट्टी का भी बौद्ध स्तूप मिला था, एक और बौद्ध स्तूप मिला है जो कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में इसमें एक सीढ़ियां निकल रही है। देखिए अभी इसमें जो उत्खनन कार्य प्रारंभ किए गए हैं, तो इसमें जो जिस प्रकार के साक्ष्य मिल रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भारी मात्रा में बौद्ध स्तूप मिल रहा है, तो पुरातात्विक विदों का यह मानना है कि जो आपका रीवा ग्राम है, ये रीवा ग्राम आपके बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो बौद्ध स्तूप जो मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मिट्टी के मिल रहे हैं, पूर्वोन्मुखी मिल रहे हैं, सीढ़ी नुमा मिल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में सिक्के
मिल रहे हैं, कलचुरीकालीन सिक्के मिल रहे हैं, कलचुरीकालीन सिक्का हो गया आपका, कुषाणकालीन सिक्का हो गया, सातवाहनकालीन सिक्का हो गया, अभी हम आगे देखेंगे विक्रमादित्यकालीन सिक्के हो गए। तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपका आरंग में जो रीवा ग्राम है यहाँ पे एक व्यापारिक नगरी थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके जो राजवंश के समय के यहाँ पे सिक्के मिल रहे हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रीवा ग्राम है, रीवा ग्राम एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। यहाँ पे आपका जो जलमार्ग के यहाँ पे एक जलमार्ग भी था ऐसा कहा जा रहा है। अभी प्रारंभिक तौर पे जो खुदाई की जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक जलमार्ग था जो जिसके कारण यहाँ पे व्यापारिक नगर काफी फला फूला था। ठीक, ये जो सिक्के के साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एक व्यापारिक नगर था। जो बौद्ध स्तूप मिल रहे हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें जो चार सिक्के मिले हैं, ठीक, अभी तक तो हमने कलचुरीकालीन, सातवाहनकालीन, कुषाणकालीन सिक्के देखे थे। इस बार जो सिक्के मिले हैं, चार सिक्के, चार सोने के सिक्के, वो आपके विक्रमादित्यकालीन है। विक्रमादित्यकालीन सोने के सिक्के मिले हैं कहाँ से? रीवा ग्राम से। देखिए, ये विक्रमादित्यकालीन होने की पुष्टि कैसे है? ये जो विक्रमादित्यकालीन जो सिक्के हैं, जो इतिहास में और भी विक्रमादित्यकालीन जो सिक्के मिले हैं उसमें भी आपके दो हाथियों का अंकन था। यानी इस विक्रमादित्य के जो सिक्के हैं उसमें दो हाथियों के अंकन होने के कारण इन सिक्कों को विक्रमादित्यकालीन सिक्का कहा जा रहा है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछेगा ही। ठीक, नेक्स्ट है आपका जमराव ग्राम जो कि आपके पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आपके दुर्ग जिले में आता है। दुर्ग जिला, पाटन ब्लॉक, जमराव ग्राम, ये दोनों में आपके एक साथ उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया है। देखिए, ये जो उत्खनन कार्य है ना, अभी इसमें लगभग 5 साल का और समय लगेगा। इसमें क्या है, काफ़ी धीरे धीरे आपका खुदाई कार्य किया जाता है। अभी लगभग आपका दो महीने का समय हो गया है। केवल अभी तक 60 सेंटीमीटर की ही खुदाई यहाँ पर की गई है। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों को किसी प्रकार डैमेज ना होकर के काफ़ी धीरे धीरे इन जगहों की खुदाई की जा रही है। अभी और भी काफ़ी प्रमाण मिलने की यहाँ पर उम्मीदें हैं। देखिए, जमराव ग्राम जो कि पाटन ब्लॉक दुर्ग के अंतर्गत आता है, यहां पर मिला है आपका लज्जा गौरी की मूर्ति, यानी एक गौरी माता का मूर्ति मिला है जिसका नाम रखा गया है लज्जा गौरी मूर्ति। ये पूरे देश भर में एकमात्र मूर्ति, ऐसी मूर्ति है जिसमें आपकी जो माता गौरी है, माता गौरी की मूर्ति के साथ दो शिवलिंग और एक नंदी मिला है। पूरे देश भर में मिले अभी तक के गौरी माता के मूर्ति का यह पहला उदाहरण है जहां पे गौरी माता के मूर्ति के साथ दो शिवलिंग और एक नंदी मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लज्जा गौरी की मूर्ति जिसके साथ दो शिवलिंग और एक नंदी है। इसके अलावा यहां पर मिला है आपका भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त मूर्ति। भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त मूर्तियां मिली है आपकी जमराव ग्राम पाटन दुर्ग से। इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला गार्बेज कैफे। गार्बेज कैफे मतलब, जो गार्बेज मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, ठीक, कूड़ादान। तो ये जो गार्बेज कैफे, ये खुला है आपका अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा खोला गया है देश का पहला गार्बेज कैफे। देखिए, ये जो अंबिकापुर नगर निगम है, ये अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शहरों की जो एक नई सूची तैयार की गई, उसमें स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है आपके अंबिकापुर। ठीक, तो ये जो अंबिकापुर नगर निगम है, इसके द्वारा देश का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है। इस गार्बेज कैफे में यदि आप 500 ग्राम मतलब आधा किलो 500 ग्राम प्लास्टिक लेके जाएंगे तो आपको नाश्ता दिया जाएगा, और यदि आप 1 किलोग्राम प्लास्टिक लेके जाएंगे तो आपको यहां पे भरपेट खाना दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये गार्बेज कैफे के कारण ये जो अंबिकापुर है, ये आपके नेशनल लेवल पर एक न्यूज बना हुआ था। ठीक, तो 500 ग्राम यानी आधा किलो प्लास्टिक की बात हो रही है ना, यहाँ कोई भी कूड़ा करकट नहीं, प्लास्टिक, 500 ग्राम प्लास्टिक ले जाने पर नाश्ता, 1 किलोग्राम प्लास्टिक ले जाने पर खाना दिया जाएगा, तथा इस प्लास्टिक का उपयोग जो अंबिकापुर आपका नगर निगम है वो सड़क निर्माण पर इस प्लास्टिक का उपयोग करेगा। ठीक,
नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम, देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम ये स्थापित किया जाएगा आपके डोंगरगढ़ क्षेत्र, डोंगरगढ़ क्षेत्र राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ क्षेत्र में आपका देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। लगभग 932 एकड़ की भूमि इसके लिए अधिग्रहित की जाएगी तथा इस बैटरी सोलर सिस्टम के द्वारा आपका 100 मेगावाट का आपका विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक, देखिए ये इसमें जो इसकी जो सोलर सिस्टम है इसकी जो क्षमता है कैपेसिटी है वो है आपका ये 100 मेगावाट, लेकिन 100 ये क्या है आपका बैटरी सोलर सिस्टम है, बैटरी सोलर सिस्टम यानी उस जो आपके सोलर एनर्जी से जो आपके सूर्य से जो एनर्जी स्टोर की जाएगी उसके लिए एक बैटरी की आवश्यकता है, तो इसके लिए एक बैटरी लगाया जा रहा है जो कि है 150 मेगावाट का। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा वो 100 मेगावाट का है, लेकिन उस 100 मेगावाट के आपके एनर्जी को स्टोर करने के लिए 150 मेगावाट की यहाँ पे बैटरी लगाई जा रही है। ठीक, कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा है ये, तो 100 मेगावाट का आपका विद्युत उत्पादन किया जाएगा और उस एनर्जी को सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए 150 मेगावाट की आपकी बैटरी यहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक, इससे प्रदेश के लगभग 55 लाख उपभोक्ताओं को, प्रदेश के 55 लाख उपभोक्ताओं को आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा। ठीक, नेक्स्ट है दुनिया का, देखिए दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट, दुनिया का, देश की बात नहीं हो रही है यहां, दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट ये स्थापित किया जाएगा आपके सीपत बिलासपुर में, सीपत बिलासपुर में दुनिया का आपका सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त मतलब देखिए कोई भी पावर प्लांट है वो प्रदूषण तो करेंगे ही, कोई भी पावर प्लांट अगर एनर्जी जनरेट कर रहा है तो एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ वो कोई ना कोई पोल्यूशन फैलाएगा ही, लेकिन उस पोल्यूशन को मिनिमाइज करने की हमेशा कोशिश की जा रही है। तो दुनिया का एक ऐसा पावर प्लांट अभी यहाँ सीपत बिलासपुर में स्टेबलाइज किए जाने का प्लानिंग किया जा रहा है जो सबसे कम प्रदूषण को मुक्त करेगा। सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा आपका सीपत बिलासपुर में इसे स्थापित किया जाएगा। ये जो है ये आपके NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तथा भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोनों के द्वारा इसके लिए एक समझौता किया गया है, एक करार किया गया है इस पावर प्लांट को स्टेबलाइज किए जाने के लिए सीपत बिलासपुर में। ठीक, इससे 20% कम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाएगा। अभी जो नॉर्मल पावर प्लांट जितने कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूस करते हैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो मुक्त करते हैं उससे 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड ये पावर प्लांट मुक्त करेगा। ठीक, मुक्त करेगा या उत्सर्जित करेगा। इसकी जो क्षमता होगी, ये जो पावर प्लांट की क्षमता होगी ये आपका 800 मेगावाट की होगी। पावर प्लांट का नाम क्या रखा जाएगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल अभी इसमें 800 मेगावाट क्षमता का, ये जो 800 मेगावाट क्षमता का ये पावर प्लांट होगा जो कि नॉर्मल पावर प्लांट से 20% कम आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। ठीक, सीपत बिलासपुर में यह स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का नाम है एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट या सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इस पर रिसर्च किया जा रहा है इस प्लांट को स्टेबलाइज किए जाने के लिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका रामायण सर्किट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्किट देखिए ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ये पूरे भारत भर में अलग अलग एक थीम 13 थीम बनाए गए हैं। 13 थीम मतलब जैसे जनजातीय सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, ठीक, उसके अलावा इको सर्किट, ये सभी के सभी एक थीम मतलब एक परिपथ बनाया जा रहा है। जैसे रामायण सर्किट की यदि हम बात करें तो भगवान राम के जन्म स्थान से लेकर के उनके ननिहाल तक, ठीक, उनके जो उन्होंने जो वनवास वो जब वनवास गए तो वो वनवास के जंगलों से लेकर के सीता माता के हरण से लेकर के उनके श्रीलंका जा करके वापस आने तक, मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के जिन जिन स्थानों से होकर के वो श्रीलंका गए और वापस आए, तो इन सभी स्थानों को जोड़ करके एक सर्किट बनाया जा रहा है। यदि कोई एक पर्यटक अगर रामायण से रामायण सर्किट में अगर भ्रमण करना चाहेगा तो
उन्हें इन स्थानों से जो आपस में लिंक होंगे इन स्थानों में उन्हें भ्रमण कराया जाएगा। ठीक, तो इसमें लगभग जो आपके पूरे भारत भर में 9 राज्य भगवान राम से संबंधित या रामायण से संबंधित 9 राज्य के 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है। 9 राज्य के 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जगदलपुर जो कि दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप सभी पढ़े होंगे दंडकारण्य क्षेत्र, जो कि रामायण में इसका उल्लेख होता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को रामायण सर्किट के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। देखिए, नेक्स्ट है आपका यूरेनियम भंडार। छत्तीसगढ़ में यूरेनियम भंडार, अभी छत्तीसगढ़ में यूरेनियम भंडार ये इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर कितना कितना यूरेनियम का भंडारण है इसे याद रखिएगा। देखिए, अभी उत्खनन कार्य तो फिलहाल प्रारंभ हो गया है, तो इसमें जगहों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। पूरे छत्तीसगढ़ भर में आपका 3986 मीट्रिक टन आपका यूरेनियम का भंडार है। छत्तीसगढ़ के 2 जिले, एक सूरजपुर और दूसरा राजनांदगांव, सूरजपुर और राजनांदगांव ये 2 जिले हैं जहां पे इन यूरेनियम का भंडारण है। ठीक, प्रदेश भर में आपका 3986 मीट्रिक टन यूरेनियम का भंडार है। सूरजपुर की यदि हम बात करें तो सूरजपुर का है आपका जजावल, सूरजपुर के जजावल में, जिसमें तो आपके यूरेनियम का उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, यहाँ पर आपका 1530 मीट्रिक टन यानी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 1530 मीट्रिक टन का आपका यहाँ पे यूरेनियम का भंडार है। और बाकी जो आपके भंडारण क्षेत्र है ये मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले का बोदल जहाँ पर आपका 1438 मीट्रिक टन, दूसरा है आपका धूमत धाबी जहाँ पे 500 मीट्रिक टन, और आपका भंडारी टोला जहाँ पे 518 मीट्रिक टन यूरेनियम के भंडारण यहाँ पर पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रदेश में केवल 2 जिले सूरजपुर और राजनांदगांव यहां पर आपके यूरेनियम के भंडारण के प्रमाण मिले हैं। सर्वाधिक भंडारण आपका जजावल ग्राम सूरजपुर में है, लगभग 1530 मीट्रिक टन का। उसके बाद बाकी राजनांदगांव में है बोदल धूमत धामी भंडारी टोला। और पूरे प्रदेश भर में आपका यूरेनियम का भंडारण है 3986 मीट्रिक टन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना खुलेगा आपका चंदनू ग्राम बेमेतरा जिला का। ये एक फूड पार्क है, चंदनू फूड पार्क करके। इस चंदनू फूड पार्क में आपका प्रदेश का आपका पांचवा शक्कर कारखाना यहां पर खोला जाएगा। प्रदेश में अभी वर्तमान में 4 शक्कर कारखाने संचालित है, एक है आपके भोरमदेव और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों के दोनों मौजूद है आपके कबीरधाम या कवर्धा में। एक है आपका माँ दंतेश्वरी शुगर मिल जो कि मौजूद है आपके बालोद में, और एक है महामाया शुगर मिल जो कि मौजूद है आपके सूरजपुर में। पांचवा खुलने वाला है आपका चंदनू ग्राम बेमेतरा में। इन पांचों का लोकेशन याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जो आपका शक्कर का उत्पादन है लगभग 77,000 मीट्रिक टन का आपका शक्कर का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ में रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन किया है आपके भोरमदेव शुगर मिल ने लगभग 25,000 मीट्रिक टन के आसपास। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुतलम्मा माता मूर्ति, ये कहीं से मिला नहीं है, ये अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ में हाईलाइट था, याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। ये जो आपका मुतलम्मा माता मंदिर है ये चामुंडा माता का प्रतिमा है, जिसे स्थानीय स्तर पर नाम दिया गया है मुतलम्मा माता मंदिर। ये जो आपका मुतलम्मा माता की ये जो मूर्ति है, ये मुतलम्मा माता की मूर्ति ये आपके नागवंशीयकालीन है, जो आपके बस्तर में जो नागवंशों का जो शासक था, नागवंश मतलब छिंदक नागवंशों का जो शासक था, उनकी ये थी मुतलम्मा माता, इनकी मूर्ति, उन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया था, ऐसा वहाँ पे स्थानीय स्तर पर मान्यता है। ये कहाँ पर मौजूद है, ये है आपका टेकमटेला ग्राम उसूर बीजापुर। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों
चर्चित व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। पहले नंबर पर है आपकी अनुसुईया उके, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है। इससे पहले भी आनंदीबेन पटेल थी जो मध्य प्रदेश के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। छत्तीसगढ़ की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है आपकी अनुसुईया उके जो कि इससे पहले अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी, उन्हें छत्तीसगढ़ के अभी पूर्णकालिक महिला राज्यपाल बनाया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ की ये पहली महिला राज्यपाल तो है, लेकिन यदि हम इनका क्रम देखें तो क्रम के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ की छठवीं पूर्णकालिक राज्यपाल है। ठीक, क्रमानुसार यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ की ये छठवीं पूर्णकालिक आपकी राज्यपाल है। देखिए छठवां क्रम समझिएगा, ये जो पूर्णकालिक जो बोल रहे हैं ना, पूर्णकालिक इसमें कार्यवाहक राज्यपालों को काउंट नहीं किया जाता। देखिए जो पूर्णकालिक राज्यपाल है, पहले नंबर पर थे आपके दिनेश नंदन सहाय, उसके बाद थे दिनेश सहाय, फिर उसके बाद थे सेठ, फिर थे आपके नरसिम्हन, फिर थे शेखर दत्त के बाद थे बलराम दास जी टंडन की मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उन्हें छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो अब बलराम दास जी टंडन के बाद जो छत्तीसगढ़ की पूर्णकालिक राज्यपाल है वो है आपके अनुसुईया उके, प्रदेश की छठवें नंबर की आपकी पूर्णकालिक राज्यपाल है और पहली महिला पूर्णकालिक राज्यपाल है अनुसुईया उके, नाम याद रखिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर है आपके रमेश बैस जिन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 7 बार सांसद रह चुके हैं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, इन्हें आपके त्रिपुरा का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए ये राज्यपाल के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उके, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के ही रमेश बैस को बनाया गया है त्रिपुरा का राज्यपाल, इन दो का नाम याद रखना है। फिर आपका आता है हमारा पड़ोसी राज्य आपका मध्य प्रदेश में थी आनंदीबेन पटेल को भेज दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आपकी आनंदीबेन पटेल। ठीक, अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है, यानी मध्य प्रदेश में भी खाली है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आपके लालजी टंडन मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के ही जस्ट नीचे आता है आपका आंध्र प्रदेश के आपके है आपके विश्वभूषण हरिचंदन जिन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उके, त्रिपुरा में आपके रमेश बैस, आपके उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश में आपके लालजी टंडन, आंध्र प्रदेश में आपके है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, नेक्स्ट है आपके स्वर्गीय देवीलाल नाग, ये आपके इनका अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। स्वर्गीय देवीलाल नाग का ये आपके नया थिएटर के संगीतकार थे। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि देवीलाल नाग का संबंध किससे था, नया थिएटर के संगीतकार थे। नेक्स्ट, अब कुछ खेल पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले नंबर पर है आपके शिखर सिंह जो कि एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में, छत्तीसगढ़ से एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कि म्यांमार में आयोजित होने वाला है, उसके भारतीय टीम के लिए छत्तीसगढ़ के शिखर सिंह, भिलाई निवासी है ये, भिलाई के शिखर सिंह का आपका एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप में के भारतीय टीम के लिए इनका चयन हुआ है। सेकेंड नंबर पर है आपका निशा भोयर जो कि एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निशा भोयर एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो कि नेपाल में आयोजित हुआ है, वहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला बॉडी बिल्डर है जिन्होंने आपका इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला बॉडी बिल्डर जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर आपका गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। शेखर सिंह का संबंध वॉलीबॉल से, निशा भोयर का संबंध बॉडी बिल्डिंग से।
वैसे ही है आपके तोरण यादव। तोरण यादव, तोरण यादव ये एक दिव्यांग है जिन्होंने वर्ल्ड योग फेस्टिवल चैंपियनशिप जो कि यूरोप के बुल्गारिया में इसका आयोजन हुआ था, तो आपके वर्ल्ड योग फेस्टिवल चैंपियनशिप में इन्होंने आपके 3 पदक जीते, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ठीक, तोरण यादव का नाम याद रखिएगा, तोरण यादव का संबंध है आपके योग से। नेक्स्ट है आपके दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी जिन्हें बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट एकेडमी अंडर 19 के लिए इनका चयन हुआ है। बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट एकेडमी अंडर 19 में छत्तीसगढ़ के दुर्गेश नंदिनी का चयन हुआ है। नेक्स्ट है आपकी याशी जैन जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से संबंधित है, इन्होंने अभी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ करके भारत का तिरंगा फहराया है। प्रदेश की याशी जैन जो कि रायगढ़ जिले से संबंधित है, इन्होंने अभी माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई इन्होंने पूरी की। जो आपके जो माउंट एल्ब्रूस है ये आपका 5,642 मीटर ऊंचा है, 5,642 मीटर ऊंचे यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर याशी जैन ने चढ़कर भारत का तिरंगा फहराया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो याशी जैन यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही। छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो आपके राहुल गुप्ता है वो भी इस माउंट एल्ब्रूस पर चढ़कर तिरंगा फहरा चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़कर आपका तिरंगा फहराया वो है आपकी याशी जैन। 2-3 पर्वतारोही है जिनके नाम आपको याद रखना है, जैसे नैना धाकड़, राहुल गुप्ता, याशी जैन, वैसे ये आपके हेमंत गणेश्वर पटेल, ये जो 3-4 पर्वतारोही है और इन्होंने किन किन पर्वतों पर आपका फतह किया है इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है कैबिनेट निर्णय। अभी जो नई सरकार बनी है उस नई सरकार के द्वारा जो कैबिनेट निर्णय लिए गए हैं उसका थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर है आपके 13वें कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के 13वें कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं आपके अमरजीत भगत जिनका पूरा नाम है अमरजीत सिंह भगत। जो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित आपके जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या थी वो थी आपकी 12। छत्तीसगढ़ में जो मैक्सिमम आपके कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं उनकी संख्या है 13, यानी जब नई सरकार बनी थी तो उसमें केवल 12 कैबिनेट मंत्री थे, एक कैबिनेट मंत्री का पद खाली था। तो 13वें कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं आपके अमरजीत सिंह भगत, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए इनको जो विभाग सौंपा गया है वो सौंपा गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, योजना व आर्थिक सांख्यिकी, सांस्कृतिक विभाग और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। देखिए ये जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है ना, ये खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग इससे पहले था आपका मोहम्मद अकबर के पास, योजना व आर्थिक सांख्यिकी विभाग ये था आपके टीएस सिंहदेव के पास, सांस्कृतिक विभाग जो कि आपका था ताम्रध्वज साहू के पास। तो इन तीनों मंत्रियों से विभाग लेकर के एक नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं आपके 13वें कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत, जिन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, योजना व आर्थिक सांख्यिकी, सांस्कृतिक विभाग एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक अवकाश। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा या प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा कुछ त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश का निर्णय लिया गया है। इससे पहले ये जो आपके त्योहार, जो आपके क्षेत्रीय स्तर के जो त्योहार है उस पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होते थे। यदि कोई अवकाश चाहता था तो ऐच्छिक आधार पर वो इन दिनों में अपना अवकाश ले सकता था, लेकिन अभी जो नई सरकार है, नई सरकार के द्वारा कैबिनेट निर्णय लिया गया है और कैबिनेट निर्णय में इन कुछ क्षेत्रीय त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। देखिए एक है आपका हरेली, दूसरा है हरतालिका जिसे कहा जाता है तीजा, तीसरा है आपका कर्मा जयंती, इन तीन पर अभी कुछ दिन पहले निर्णय लिए गए थे। इससे पहले भी दो और त्योहार है जैसे छठ पूजा
और एक है आपका विश्व आदिवासी दिवस। छठ पूजा, छठ पूजा ये हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये बिहार का त्यौहार है, लेकिन इस पर भी आपके सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। देखिए ये तो था आपका नॉर्मल, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रदेश में आपके किन आपके क्षेत्रीय त्यौहारों पर आपके अवकाश की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। तीन चार ऑप्शन दे देगा आपको, वो उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक। या तो फिर आपसे इनडायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, इनडायरेक्टली प्रश्न मतलब कोई एक त्यौहार दे देगा और पूछेगा यह त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, केवल आपको त्यौहार याद नहीं रखने, त्यौहार किस दिन मनाया जाता है उस दिन को भी याद रखना है। देखिए ये जो आपका हरेली है, हरेली मनाया जाता है आपके सावन अमावस्या को, बता रहा हूँ कहीं लिख नहीं रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, हरेली मनाया जाता है आपके सावन अमावस्या को, सावन अमावस्या को मनाया जाता है, हरेली पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका हरतालिका, हरतालिका या तीजा, हरतालिका या तीजा मनाया जाता है आपके भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है आपका हरतालिका या तीजा। नेक्स्ट है कर्मा जयंती, ये जो कर्मा जयंती है ये इसे समझिएगा मत, विश्वकर्मा जयंती मत समझिएगा, कर्मा जयंती इसका पूरा नाम है भक्त माता कर्मा जयंती, भक्त माता कर्मा जयंती। ये जो कर्मा जयंती है ये स्पेशली साहू समाज के द्वारा मनाया जाता है, इसे चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को इस भक्त माता कर्मा जयंती, भक्त माता कर्मा जयंती या भक्त माता कर्मा दिवस का आयोजन होता है जो कि साहू समाज के द्वारा किया जाता है। इस चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को और एक नाम से जाना जाता है, पाप मोदनी एकादशी, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छठ पूजा, छठ पूजा ये जो छठ पूजा है ये बिहार का त्यौहार है, लेकिन हमारे प्रदेश में भी भारी मात्रा में आपके बिहारी रहते हैं, ठीक। तो उनके जो इस त्यौहार के महत्व को देखते हुए हमारे प्रदेश में इस छठ पूजा को भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी विवादों में रहा ये छठ पूजा का अवकाश, इसके लिए जो मंत्री जो कैबिनेट के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था तो काफ़ी इनकी आलोचना हुई थी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है, लेकिन प्रदेश में क्या है काफ़ी ज़्यादा आपका इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इस कारण से इस छठ पूजा के लिए भी अवकाश की घोषणा की गई है। ये छठ पूजा आपका हमारा कमर छठ या हल षष्ठी वाला छठ नहीं है, ये छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला छठ पूजा है, जिसका आयोजन होता है दीपावली के छठवें दिन। दीपावली के छठवें दिन अगर हम तिथि की बात करें तो वो होता है आपका, जैसे दीपावली मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को, तो कार्तिक अमावस्या के छठवें दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है आपका छठ पूजा। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है आपके 9 अगस्त को, हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है आपका विश्व आदिवासी दिवस, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। देखिए पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी योजना ये योजना प्रारंभ किया जा रहा है आपके परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। परंपरागत व्यवसाय नगरीय क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के नहीं, नगरीय क्षेत्र के परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए पौनी पसारी योजना प्रारंभ किया गया है। इस पौनी पसारी योजना के अंतर्गत 168 नगरीय निकायों के जो आपके परंपरागत व्यवसाय, ये परंपरागत व्यवसाय मतलब लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, कोष्ठा हो गए, ठीक। जैसे अभी लोग क्या है हर चीज रेडीमेड लेना चाहते हैं, किसी भी चीज को बनवाना नहीं चाहते, तो वो क्या है ये जो परंपरागत जो व्यवसायी है ये मार्केट से सीधा गायब होते जा रहा है। तो इस कारण से इन परंपरागत व्यवसायों को बनाए रखने के लिए 168 नगरीय निकायों में आपके पौनी पसारी योजना प्रारंभ किया गया है। इस पौनी पसारी योजना के अंतर्गत ये जो आपके परंपरागत व्यवसायी है उन्हें एक चबूतरा, शेड युक्त आपका एक चबूतरा प्रोवाइड किया जाएगा, एक मार्केट बनाया जाएगा, इन व्यवसायियों को टारगेट करके एक मार्केट बनाया जाएगा। उस मार्केट में शेड युक्त चबूतरा पर्टिकुलर एक उनको प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जहां पे वो अपने इस कार्य को कर सके, ठीक। इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, ये नगरीय क्षेत्र के लिए है पौनी पसारी योजना, जो कि परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए है। ये 168 नगरीय निकायों में इस योजना को लागू किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपकी रैंकिंग, रैंकिंग में पहले नंबर पर है आपका डेल्टा रैंकिंग। देखिए ये जो है डेल्टा रैंकिंग ये आकांक्षी जिलों
की जो सूची है, आकांक्षी जिलों में जो राज्यों को चिन्हित किया गया, आकांक्षी जिलों में जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उन जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो नीति आयोग है वो समय समय पर डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। ये डेल्टा रैंकिंग आपके मई माह का है। देखिए, आकांक्षी जिले पूरे भारत भर में से 115 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया था। क्या कारण है कि इन 115 जिलों को ही आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया? ये 115 जिले ऐसे जिले थे जिनके पास विकास करने के लिए इनकी बुनियादी, इनके पास संसाधन मौजूद थे, संसाधन मौजूद थे जो कि राज्य के राजस्व में अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रदान करते थे। इसके बावजूद भी ये काफ़ी पिछड़े हुए थे। जैसे हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो दंतेवाड़ा जिला भी इस आपके आकांक्षी जिला की सूची में आता है। दंतेवाड़ा जिला जो कि आपका अयस्क का वहाँ पे भंडारण है, प्रदेश के जो आपके प्रदेश के राजस्व में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी आपका दंतेवाड़ा जिला प्रदान करता है, इसके बावजूद भी वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे जिले जिनके पास विकास करने के लिए उनके पास स्वयं के पास संसाधन मौजूद है लेकिन फिर भी वो विकास नहीं कर पा रहे, तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया था। पूरे प्रदेश भर में से आपके टोटल 115 जिलों को चिन्हित किया गया था और छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। 10 जिले कौन से हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण में कवर कर चुके हैं, उसको यहां नहीं बता रहा हूं, ठीक। तो देखिए, तो पूरे भारत भर में से, यहां छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, इस डेल्टा रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार के आधार पर इस आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में टॉप किया है हमारा कोंडागांव जिला। पूरे भारत में टॉप किया है आपका कोंडागांव जिला। दूसरे नंबर पर है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। तीसरे नंबर पर है पाकुड़, झारखंड का पाकुड़ आपके तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोंडागांव है पहले नंबर पर। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इंडेक्स। इस हेल्थ इंडेक्स को भी नीति आयोग ने जारी किया था। पिछले महीने भी हमने इस हेल्थ इंडेक्स के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखे थे। एक और नीति आयोग ने इस हेल्थ इंडेक्स में एक और चीज को हाईलाइट किया है, उसे समझिएगा। लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ का वैसे नॉर्मल लिंगानुपात देखा जाए तो वो है आपके जनगणना 2011 के अनुसार है 991, ठीक। लेकिन हेल्थ इंडेक्स जो अभी जारी किया गया है उसमें 21 बड़े राज्यों की सूची में, हेल्थ इंडेक्स आपके 21 बड़े राज्यों, 8 छोटे राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका ये इंडेक्स जारी किया गया था। तो 21 बड़े राज्यों की सूची में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपके जन्म के समय लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजिशन में है। जन्म के समय लिंगानुपात, यानी किसी एक शिशु का जस्ट अभी जन्म हुआ है तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है, तो जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति हजार लड़कों पर आपका 963 लड़कियां हैं, जो कि पूरे भारत भर में सर्वाधिक है। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ और दूसरे नंबर पर है केरल। तो छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, जन्म के समय छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 21 बड़े राज्यों की सूची में सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है, 963। नेक्स्ट है आपका ICAR 2018-19, ICAR रैंकिंग 2018-19। देखिए, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में वर्ष 2018-19 के लिए, वर्ष 2018-19 के लिए जो पूरे देश भर में से जो आपके विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। पूरे देश भर में से लगभग 70 कृषि विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए थे, जिसमें हमारा जो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो टॉप 10 में शामिल है। 10वें नंबर पर है हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2016-17 में 17वें स्थान पे था, 17-18 में ये 12वें स्थान पर आया, फिर आपका 2018-19 में ये 10वें स्थान पर है। 2018-19 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब कुछ मिसलेनियस विविध पे देखते हैं। पहले नंबर पर है आपका कथा कंथली एक बुक का संकलन है। ये आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल के अप्रकाशित पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित, जो उन्होंने हाथों से लिखा है, अभी तक अप्रकाशित पांडुलिपि, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अप्रकाशित पांडुलिपियों को संकलित करके डॉक्टर खूबचंद बघेल के अभी जन्म जयंती
जयंती के अवसर पर उनके अप्रकाशित पांडुलिपि का संकलन किया गया कथा कंथली के नाम से। कथा कंथली एक बुक है जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल की अप्रकाशित पांडुलिपि यानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का ये संकलन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाए कथा कंथली किससे संबंधित है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल से। नेक्स्ट है जन्म होते ही जाति प्रमाण पत्र। जन्म होते ही जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ में जन्म होते ही अभी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में किसी एक शिशु के जन्म होते ही उसे उसका जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा और ऐसा किया भी गया है। कोंडागांव जिला, हमारे प्रदेश का जो कोंडागांव जिला है वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में एक ऐसा जिला बना है जहाँ पर किसी एक बच्चे के जन्म होते ही उसे जाति प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक, कोंडागांव जिले में एक बच्चे के जस्ट जन्म लेते ही, जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही उस बच्चे को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और ये कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया भी गया है कि अब किसी बच्चे के जन्म के साथ ही उस बच्चे का जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी, हल्बी व गोड़ी भाषा में स्कूली पढ़ाई। प्रादेशिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए तथा जो हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो आपके आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो क्या है, हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, तो उन्हें उनके क्षेत्रीय भाषा में वे अपनी पढ़ाई कर सके, इसीलिए जो प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा है उसे छत्तीसगढ़ी हल्बी और गोड़ी भाषा में पढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर जो आपकी स्कूली पढ़ाई किस भाषा में होगी, छत्तीसगढ़ी हल्बी और गोड़ी भाषा में। नेक्स्ट है आपका जुगाड़ू और श्यामू। जुगाड़ू और श्यामू ये कौन है, ये हमारे राजकीय पशु है, हमारे प्रदेश के राजकीय पशु है यानी वन भैंसे है। वन भैंसे का नाम है आपका जुगाड़ू और श्यामू। आप सभी को मालूम होगा कि जुगाड़ू जो कि एक वन भैंसा है इनका, जिसका पिछले महीने उसका मृत्यु हो गया था। ठीक, उसकी जो मौत का कारण पता नहीं चल पाया, इलाज होने के बावजूद भी कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। सेम ऐसा पिछले 2 साल पहले भी हुआ था श्यामू जो कि एक वन भैंसा था। देखिए, ये जो वन भैंसा है ये तो हमारे प्रदेश का एक राजकीय पशु तो है, इसके साथ साथ ये एक विलुप्त होती प्रजाति भी है। उद्यंती अभयारण्य में था आपका जुगाड़ू, वर्तमान में उद्यंती अभयारण्य में आपके वन भैंसों की संख्या मात्र 8 रह गई है। तो इनके जो है, इसकी जो कंकाल है, जो आपका जुगाड़ू का जो कंकाल है, इसे रिसर्च करने के लिए दोबारा खोद करके इस जुगाड़ू और श्यामू के कंकाल को बाहर निकाल लिया गया है। अब इसे रखा जाएगा संग्रहालय में एक रिसर्च और स्टडी के लिए इस श्यामू और जुगाड़ू वन भैंसे को कंकाल को संग्रहालय में रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रश्न पूछ सकता है। जुगाड़ू है, वन भैंसा है, पेड़ की प्रजाति है, कोई वनस्पति की प्रजाति है, ऐसे 3-4 ऑप्शन करके आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो आपका श्यामू और जुगाड़ू है ये वन भैंसे हैं, छत्तीसगढ़ के वन भैंसे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो भी आंकड़े बताए सारे आंकड़ों को याद रखना है। इस बार चर्चित स्थल आपके काफी ज्यादा है, इन चर्चित स्थानों को याद रखिएगा। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए कि वीकली बेसिस पे चाहिए। एक ठोक आपका वोटिंग करने के लिए एक पोल मैं बना रहा हूँ, वहाँ पर जा करके आप अपना पॉइंट बता सकते हैं। धन्यवाद।